मैं मोहम्मद अली अब्दुल अजीज कुरैशी सिल्लोड। मोहतरम हज़रात, कुछ दिनों के बाद मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाले हैं और इस्लामी 1443 साल हिजरी शुरू होने वाला है। चूंकि ये पहला महीना है और इस महीने की बड़ी फजीलत आई है और ख़ास तौर पर मुहर्रम के 10 दिन, जिसको हम शुरू के 10 दिन और 10वें दिन को हम आशूरा कहते हैं, इसकी बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि मुहर्रम में रोज़े रखने वाले को एक रोज़े के बदले 30 रोज़े का सवाब मिलता है। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की ही रिवायत है कि जिसने 10 मुहर्रम को यानि आशूरे को रोज़ा रखा, उसको 10,000 शहीदों और 10,000 हाजियों का सवाब मिलता है। और उसी दिन किसी मोमिन को खाना खिलाया, गोया उसने आप सल्लम की पूरी उम्मत को खाना खिलाया। साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, यौम आशूरा को सब दिनों पर फजीलत हासिल है? आपने फरमाया, हाँ, क्योंकि इसी दिन अल्लाह ताला ने आसमान, पहाड़, दरिया, लूह और कलम को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इसी दिन पैदाइश हुई, इसी दिन जन्नत में डाले गए और इसी दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुसीबत दूर की गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा किया गया और इसी दिन फिरौन गर्क हुआ और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई और ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी दिन पैदा हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन क़यामत आएगी। यौम आशूरा की बरकत है, जो शख्स इस दिन गुस्ल करे वो बीमार नहीं होता, जो शख्स इस दिन सुरमा लगाए उसकी आंखों में साल भर नहीं दुखती, उसकी आंखों में दुख नहीं होता, जो इस दिन इसकी बीमारी किसी बीमार की आदत करे, गोया उसने सारी मखलूक की आदत की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आपने फरमाया, बनी इसराइल पर पूरे साल में सिर्फ एक रोज़ा फ़र्ज था और वो सिर्फ यौम आशूरा का, यानी 10 मुहर्रम का। सब मुसलमानों को इस रोज़ा रखना चाहिए और फरमाया, जो इस रोज़ अपने अहल आयाल को खूब कुशादा रिस्क करे और अच्छा खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला इस आशूरे की बरकत से इस बंदे को साल भर अच्छा खाना खिलाते हैं और उसकी रोज़ी में बरकत अता फरमाते हैं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपसे फरमाया, या रसूलल्लाह, इस दिन अल्लाह ताला ने हम पर बहुत फजल व करम फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसी दिन इब्राहिम को आग में डाला गया था और आग को गुले गुलजार बना दिया गया था। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली और आसमान से बारिश सबसे पहले आशूरा के दिन ही हुई। अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी आशूरा के दिन हुआ। जो इस दिन सदका करे, साल भर सदका करने का सवाब मिलता है। मक्का में आप भी रोज़ा रखते थे आशूरे का, लेकिन जब मदीना आए तो आपने यहूदियों से पूछा कि आप आशूरे का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो यहूदियों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यौम आशूरा के दिन ही फिरौन से नजात दी थी और समंदर में रास्ते खोला था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा से कि हम तो ज़्यादा हकदार हैं कि हम इस दिन रोज़ा रखें। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम के महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी और अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इसी दिन जो है इस दिन को मुकर्रर फरमाया। तो इस दिन जो रोज़ा रखेगा, गोया उसने साल भर के रोज़े रखे और अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला इस दिन एक मुसलमान अगर किसी को खाना खिलाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला उसके रिस्क में उस साल भर के लिए कुशादगी कर देते हैं। और कोई शख्स अगर अपने घर वालों को आज के दिन यानी यौम आशूरा के दिन खूब बेहतर से बेहतर खाना खिलाए और रिस्क में कुशादगी करे तो अल्लाह ताला साल भर उसके रिस्क को कुशादा कर देते हैं। और इस दिन की बरकत से अल्लाह ताला इस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा कर उसकी तौबा को कबूल करते हैं, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को जिस दिन कबूल किया गया वो यही दिन था, यानी यौम आशूरा का। और आखिर बात यह है कि इसी दिन क़यामत आएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, जो खुराफाते हम मुहर्रम के महीने में करते हैं, सोचो और समझो, अगर हम हमारे मौत पर अगर हम वावेला मचाएं और उस पर
गिरोदारी करे तो ये इस्लाम में कहीं भी लिखा नहीं है। और आजकल हमने फैशन बना लिया है और उसका एक रिवाज बना लिया है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। हालांकि ये सब करना यजीदियों का काम है और हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है आज शहादत मिली। ये शहादत का तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में बैठे हुए थे, फरिश्ता आया और कहने लगा कि मोहम्मद आज यानी यौम आशुरा के दिन तुम्हारे नवासे को तुम्हारी कौम कत्ल करेगी। और फरमाया कि तुम जो है इस दिन तौबा करो, क्योंकि इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई थी। तो मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस्लामी महीनों का, इस्लामी साल का पहला महीना है और इस महीने में खूब इबादत करे, रियाजत करे, तिलावत करे, जिक्र अस्कार करे और अल्लाह से खौफ खाकर, अल्लाह से डर कर तौबा करे और आइंदा कोई गुनाह ना करने का इरादा करे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना, जो आशुरा का रोजा है कितने रखना चाहिए, एक क्या दो? आशुरा के रोजे के बारे में, एक रोजे का है और दो भी रख सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशुरा का रोजा मक्के में भी रखा और जब मदीने में आए तो वहां पर तहकीक की क्या ये रोजा आप लोग क्यों रखते हैं। वहाँ यहूदी बसे हुए थे तो उन्होंने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से ये रोजा रखा गया और मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात मिली थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फिर तो हम भी हकदार है कि इस दिन हमको रोजा रखना चाहिए और इसीलिए रोजे का हुक्म दिया। और हमेशा अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहूदी हमेशा एक रोजा रखते हैं, हमको दो रोजे रखना चाहिए। और वैसे तो 10 रोजों का हुक्म है कि पहली तारीख से लेके 10 मुहर्रम तक रोजे रखे तो बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तमाम को इस पर अमल करें।